मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर शिमला में जो रैली का आयोजन किया गया था उससे देश व प्रदेश की जनता को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश व प्रदेश के लिए कोई भी नई परियोजनाओं की घोषणा नहीं की गई। वहीं आज तक जो भी नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा वादे व घोषणाएं की गई थी उन्हें भी पूर्ण नहीं किया गया है। यह बात राज्य सचिव मंडल सदस्य भारत की कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल प्रदेश संजय चौहान ने मीडिया को जारी अपने बयान में कही। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का मानना है कि आज मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जो शिमला के अंदर जो समारोह रैली का आयोजन किया गया है उसमें मोदी जी द्वारा देश व प्रदेश के लिए कोई भी नई विकासात्मक परियोजना की घोषणा न करने से जो है देश व प्रदेशवासियों के हाथ जो है निराशा लगी है। और इससे पूर्व भी जो मोदी सरकार के द्वारा वायदे व घोषणाएं की गई है वो भी जो है आज तक पूर्ण नहीं हुई है। यदि हम अतीत में देखें 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले भाजपा ने वायदा किया था कि यदि वो सत्ता में आती है तो 100 दिन में महंगाई कम करेगी, हर वर्ष जो है 2 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करेगी, इसके साथ साथ कृषि संकट को दूर करने के लिए जो है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट व प्रत्येक फसल को जो है MSP के दायरे में लाएगी। परंतु यदि हम पिछले 8 वर्षों के अंदर देखें तो देश में मोदी सरकार की नीतियों के चलते जो है वो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और कृषि का संकट जो है वो और गंभीर जो है हुआ है। और इसके साथ साथ इन 8 वर्षों के अंदर मोदी सरकार के द्वारा जो ये नव उदारवाद की नीतियां लागू की गई है इसके चलते देश के सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वो कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है और देश की संपत्तियां जो है बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथ जो है सौंपने का कार्य किया जा रहा है। और इसमें जो भाजपा के और मोदी सरकार के चेते जो कॉरपोरेट घराने हैं जिसमें अदानी है, अंबानी है, उनको जो है देश की संपत्तियां चाहे वो हवाई अड्डे हों, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे सड़कें हों, चाहे तेल कंपनियां हों, सारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो जो है इनको सौंपने का कार्य जो है किया जा रहा है। और इन नीतियों के चलते देश में जो है वो अमीर अमीर हो रहा है और गरीब जो है और गरीब जो है होता जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि एक और जो है गंभीर बेरोजगारी के चलते जो है अधिकांश जनता जो है वो रोजी रोटी का संकट चल रहा है और दूसरी ओर जो है देश में अरबपतियों की संख्या जो है बढ़ रही है। तो इसलिए 8 वर्षों के अंदर मोदी सरकार के द्वारा जो नीतियां लागू की गई है उससे जो देश की आम जन है, मजदूर है, किसान है, वो जो है और संकट में घिरा है और इन नीतियों को बदलने के लिए जो है आम जनता को लामबंद होकर सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।